गुड इवनिंग. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो लेट अस स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1. पार्ट 1 का ये सबसे लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जैसे कल ही क्या हुआ है, बोर्ड एग्जाम हुआ है, ये पेपर काफी इजी आया था. तो आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या नेट का एग्जाम दे रहे हो या जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे रहे हो या जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम दे रहे हो, हर जगह पे इसका ज्यादा वेटेज होता है. नीट की अगर बात करते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आप रेगुलर पैटर्न अगर रेगुलर ट्रेंड देखते हो तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल आता है. जेडब्ल्यू में जाओगे तो भी 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फिक्स है. उससे मीन्स 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके, श्योर शॉट 8 मार्क्स फिक्स हैं, चाहे वो नीट की बात हो चाहे जेडब्ल्यू मेंस की बात हो. ठीक, कल के पेपर को उठा करके देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर को जा करके देखते हैं तो नीट में तो कितने क्वेश्चन होते हैं, इससे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स है. अगर जेडब्ल्यू की बात करते हो तो, अगर जेडब्ल्यू मेंस की बात करते हो तो भी 2 क्वेश्चन फिक्स, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है इसमें. एंड देन आफ्टर एट लास्ट अगर बात करते हो 12th बोर्ड एग्जाम की बात करते हो तो 12th बोर्ड एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं. लास्ट कल के पेपर को उठा करके देखते हैं तो भी वहां पे आपको 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 नंबर का जो आपका आता है 12th बोर्ड में वो भी 4 से 5 मार्क्स का ये फिक्स होता है. मिनिमम 5 मार्क्स से क्या होता है, ये फिक्स होता है. सो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है. एडिशन कंपाउंड के बाद हम देखेंगे कि एडिशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. इट मींस एडिशन कंपाउंड को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. आंसर क्या होगा हमारा, एडिशन कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ठीक है, तो पहले तो फिर हमको स्टार्ट किससे करना है, एडिशन कंपाउंड से स्टार्ट करना है. तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है हमारे पास देखते हैं. Suppose, addition compound को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम heading क्या लेंगे? First, सबसे पहले लिखेंगे addition compound. So, let us start with the addition compound. Suppose हमारे पास एक compound है KCl, potassium chloride, and एक और compound हमारे पास क्या है? MgCl2. हमने क्या किया? ये दोनों compound को एक definite stoichiometric ratio में क्या किया? Mix कर दिया. क्या किया है? इन दोनों कंपाउंड्स को हमने एक डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में मिक्स कर दिया है और उसका सॉल्यूशन बना दिया है. दो कंपाउंड्स को डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में मिला करके हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया है और उसको हमने क्या किया, इवापोरेट कर दिया. इवापोरेशन के बाद क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज द एडिशन कंपाउंड. जैसे हमने क्या किया KCl में हमने क्या ऐड कर दिया, MgCl2 को ऐड कर दिया और क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्यूशन बनाना है हमने क्या किया, 6 मोल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड किया. उसके बाद ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने इवापोरेट कर दिया. इवापोरेट करें, इवापोरेशन के बाद क्या हो जाएगा, क्रिस्टल सब्सटेंस का फॉर्मेशन. तो जो क्रिस्टल सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एडिशन कंपाउंड. क्यों बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन ए डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इन द सॉल्यूशन फेज एंड देन दे आर इवापोरेटेड, देन आफ्टर एट लास्ट द क्रिस्टल सब्सटेंस इज फॉर्मड व्हिच इज द एडिशन कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टल सब्सटेंस हो गया. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इन दोनों को मिलाने से हमको क्या मिलेगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे, इसको नोट कर लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा देखते हैं, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O. दो कंपाउंड है, दोनों को हमने एक डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ऐड किया, उनका सॉल्यूशन बनाया. सॉल्यूशन बनाकर हमने क्या किया, इवापोरेट किया. इवापोरेट करने के बाद जो कंपाउंड बना दैट इज KCl.MgCl2.6H2O एंड दिस इज द कार्बोनेलाइट सॉल्ट. ये होता है कार्बोनेलाइट सॉल्ट विच इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड. ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, क्या कहलाएगा, एडिशन कंपाउंड कहलाएगा. अब एडिशन कंपाउंड कहलाएगा, लेकिन एडिशन कंपाउंड में किस टाइप का होगा,
क्या ये डबल सॉल्ट होगा या क्या ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ये हमको अभी देखना बचा है। तो अभी हम टाइप से पहुंचेंगे, टाइप से पहुंचेंगे तो उसको भी देख लेंगे। पहले हम बेसिक मीनिंग इसका समझ रहे हैं, एडिशन कंपाउंड का हम पहले बेसिक मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला एग्जांपल, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं, नोट कर लेंगे, दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में आते हैं, हमने क्या किया, क्या बोला गया, एडिशन करना है। एडिशन करना मतलब सिर्फ टू, एक इट मींस कि कोई एक डिजिट लेकर के नहीं चल सकते हो, एडिशन करना है। कम से कम जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, दो डिजिट लेकर के चलते हैं, 2+4, 2+3, 2+5 एंड सो ऑन। तो यहां पे भी एडिशन कंपाउंड कैसे, एडिशन में कम से कम कितना, मिनिमम दो कंपाउंड होना ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा चलेगा। तो यहां पे लेके चलते हैं K2SO4, हमने क्या लिया, पोटेशियम सल्फेट ले लिया, प्लस साथ में दूसरा कंपाउंड हमने इसमें ऐड किया। लेकिन कंपाउंड जो ऐड कर रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो, वो किसी भी रेशियो में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं उठे कुठे होकर डाल दो भाई, दोनों का क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। हमने इसमें ऐड किया एल्युमिनियम सल्फेट को, ऐड कर दिया Al2SO4O3। तो पोटेशियम सल्फेट विद एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को ऐड किया, दो कंपाउंड को हमने डेफिनेट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ऐड किया एंड 24 मोल्स ऑफ वाटर के साथ अटैच किया। यहां से क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना, इनका हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको इवापोरेट किया, इवापोरेशन किया, इवापोरेशन किया तो क्या मिला, फिर से सेम रिजल्ट मिलने वाला जो हमने यहां पे थोड़ी पहले लिखा था, क्या होगा, यहां पे क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2SO4.Al2SO4O3.24 and this is known as potash atom, this is known as potash atom. So this is again example of addition compound, ye bhi kya ho jayega, addition compound. To abhi hum basic meaning samajh rahe hain ki addition compound hota kya hai, addition compound banta kaise hai, theek. Last time kya karenge, iske definition ko bhi aap log ko likhwa diya jayega. So don't worry, pehle example note kar le, pehle samajh le, okay. Next third article, एक और सॉल्ट लेके चलते हैं, मोहर सॉल्ट। एक होता है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, मोहर सॉल्ट जो एडिशन कंपाउंड है वो कैसे कैसे बना होता है, कैसे कैसे बना है हमको ये देखना है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। थर्ड आते हैं मोहर सॉल्ट में, आते हैं सो थर्ड इज द मोहर सॉल्ट। चलिए हमने क्या किया, FeSO4 फेरस सल्फेट आयरन इन द प्लस टू स्टेट, प्लस टू स्टेट में प्लस NH for whole to SO4. So this is ammonium sulfate, this is ferrous sulfate iron in the plus 2 state and this is ammonium sulfate. Kya kiya isko humne, 6 moles of water ke sath add kiya, 6 moles of water add kiya, solution bana. Solution ke baad kya karte, last term yahan mein bataya gaya tha, do example padh chuke ho, teacher example ki kya karte, evaporate karte hain, theek. Humne kya kiya iska, fir se is solution ka evaporation kiya, ठीक, इस सॉल्यूशन का इवापोरेशन किया, इवापोरेशन करने के बाद क्या मिला, क्रिस्टल सब्सटेंस मिलेगा, एज यूजुअल क्या मिलेगा, क्रिस्टल सब्सटेंस मिलेगा, क्रिस्टल सब्सटेंस मिलेगा कैसा देख लेंगे, FeSO4.NH4O2SO4.6H2। सो दिस इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर। एक और एग्जांपल लेंगे और उसका हम चलेंगे इसके डेफिनेशन पे, डेफिनेशन का हम सिंपली क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम सीधा जाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, क्योंकि हमको डील किससे करना है, डील किससे करना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इट मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से डील करना है पूरे चैप्टर में हमको। यहाँ पर डबल सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, जब हम एक बार इसके इंट्रोडक्शन आगे निकल जाएंगे, डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या हम लोग को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है, इट मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है, बट फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसको देख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे FeCN2। फिर से आयरन कौन से स्टेट में, प्लस टू स्टेट में, फेरस साइनाइड हमने लिया, प्लस इसको हमने किससे ट्रीट कर दिया, KCN इट मींस पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट कर दिया, फेरस साइनाइड विद पोटेशियम साइनाइड दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, इट मींस दो कंपाउंड को मिलाया, एक डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में हमने इसको लेकर के चला, कंपाउंड जो बना दैट इज K4FeCN6। So this is the final compound K4FeCN6। अगर इसका नाम लिखना चाहते हो तो इसका नोमेनक्लेचर तो हमने ही पढ़ा है,
और नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हमको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, अभी देखो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द काउंटर आयन। अभी काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव काउंटर आयन या नेगेटिव काउंटर आयन है ये हमको देखना है। ये इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, जो जनरली किसका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम क्या होता है, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और उसमें हमको क्या पढ़ना है, 3D सीरीज का पढ़ना है, इट मींस कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स बारे में पढ़ना है। हालांकि ये अलग चीज़ है कि कभी PD भी आ सकता है, कभी PT भी आ सकता है, कभी गोल्ड भी आ सकता है, इट मींस कि 40, 50, 60 के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन जनरली जो हमको पढ़ना है किसका पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये जो सेंट्रल मेटल आइटम के बाजू में लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जो उसके नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 6 लिखा है तो हमेशा से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, अरे वो डिपेंड करता है इसके डेंटिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे डेंटिसिटी क्या होता है, ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या होता है, तो वो हम बातें करेंगे जब हम लिगेंड पढ़ेंगे कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी या तो मोनोडेंटेट होता है या तो वो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ट्रडेंटेट है ना, हेक्साडेंटेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर साइट कि एक ही लिगैंड में दो डोनर साइट है लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर साइट काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। तो वो आगे की कहानी होगी जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमने इस कंपाउंड को बनाया तो इसका नाम तो लिखेंगे, नाम लिखते कैसे, तो नाम का रूल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब ये पढ़ रहे हो तो एक बार सुन लो, बस बेसिक सुन लो इसके, आगे तो पढ़ोगे डिटेल में लिखोगे भी। सबसे पहला नाम लिखते हैं हम केटायन, सबसे पहला नाम केटायन का, चाहे केटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अगर इसको तोड़ते हो तो यहाँ से केटायन क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इसका नाम पोटेशियम लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या क्या जिस केटायन, ठीक है, केटायन के बाद क्या आता है, एनायन। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, सॉरी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कैसा भी कॉन्डिशन कंपाउंड हो, हमेशा क्या होगा, पहले केटायन का नाम, उसके बाद क्या होगा, एनायन का नाम। पहले हमने केटायन लिख लिया, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स में आओगे एंड दिस इज काइंड ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तोड़ना आता है इसको, अगर तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 4K+ FeCN6 4- तोड़ना तो आता है, ठीक है, देख लेंगे एक बार, हमने सही ब्रेक किया नहीं किया, कैटायन एनायन पार्ट में हमने सही ब्रेक किया नहीं किया, तो क्या करेंगे, चार्ज को देखेंगे, 4 × 1 = 4 × +1 कितना हो जाएगा, +4 एंड दिस इज 1 × 4 −4 क्योंकि −4 हो जाएगा, ये +4 इट मींस ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, दिस इज न्यूट्रल, इट मींस हमने बिल्कुल सही ब्रेक किया उसको। सो दिस इज पोटेशियम, कॉम्प्लेक्स नाम कैसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो सबसे पहला नाम किसका होगा, लिगैंड का होगा। लिगैंड कितने हैं, CN है लिगैंड और कितना है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, देन आफ्टर हेक्सा एंड CN, CN का नाम क्या होता है, CN का नाम होता है साइनो। IUPAC में नाम अगर बात करते हैं तो क्या लिखते हैं उसके लिए, साइनो, सो दिस इज हेक्सा साइनो, ठीक, देन आफ्टर लिगैंड, लिगैंड का होता आते हैं सेंट्रल एटम पे आते हैं, लिगैंड के बाद अगर सेंट्रल एटम में आते हो तो सेंट्रल एटम के नाम के आखिरी में हमको 8 लगाना है, ATE8 लगाना है या 8 नहीं लगाना है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स कैसा है, यहाँ का कॉम्प्लेक्स कैसा है, अगर इसको देखोगे सो दिस इज एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स केस में हम क्या करते हैं, 8 लगाते हैं, पहले केटायन नाम लिखे फिर एनायन का नाम, ठीक। कल के डेट में जब हम पढ़ेंगे या अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब अगला कॉम्प्लेक्स मान लो कैसा केटायनिक है और एनायन सिंपल है तो भी पहले केटायन का नाम लिखेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम सिंपल एनायन का नाम लिखेंगे, वो एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा, अभी बात करने कोई फायदा नहीं है, और फिर मतलब जब पढ़ोगे उसी टाइम समझेंगे हम लोग। हेक्सा साइनो यहाँ पे आयरन Fe +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में है या +3 स्टेट में है, कैसे पता चलेगा, वो तो हम बात की बात है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 तो लगाना है, तो क्या करेंगे, फेरेट, बाजू में ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल मेटल का, इसका कैसे निकालते हैं, तो सबको पता है जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेंगे, ठीक, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट बी एक्स, दिस CN, CN की साइनाइड, साइनाइड आयन यानी कि साइनाइड जो है कैसा लिगेंड है, दैट इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब डेंटिसिटी 1 होगा, मतलब एक साइड से क्या करेगा ये लोन पेयर, यानी एक साइड से क्या करेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा,
हालांकि अभी कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड स्टार्ट किए नहीं है, अभी तो हम एडिशन में ही है, तो अभी हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, कौन लोन पे डोनेट करेगा, कौन लोन पे एक्सेप्ट करेगा, ये भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो सी एन जो साइनाइड है उसका चार्ज कितना होता है, माइनस वन। मोनो इंटेक्ट लिगेंड है बट माइनस वन चार्ज वाला, तो सिक्स वन जा सिक्स है और इसका चार्ज है एक का माइनस वन, तो सिक्स वन जा माइनस सिक्स। सो अगर इसका स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल्स टू, किससे कट करेंगे इसके नेट चार्ज से, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू लिखेंगे। सो दिस इज पोटेशियम हेक्सासाइन ऑफ फेरेट टू। सो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। नोट करो ये तो क्या भाई एडिशन कंपाउंड की बात हो गई। एडिशन कंपाउंड के बाद आता है कि हम एडिशन कंपाउंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो अगला हेडिंग देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एडिशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ द एडिशन कंपाउंड, हमने बहुत सारी बातें कर ली कि एडिशन कंपाउंड होता क्या है, एग्जाम्पल क्या है उसका, बनता कैसे एडिशन कंपाउंड, हमने इन सारी बातों को डिस्कस कर लिया। तो एक काम करके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, एडिशन कंपाउंड का लिखेंगे, two or more than two compounds are mixed in a definite stoichiometric ratio, in the solution phase and are evaporated to give a crystal substance known as the addition compound. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे इसका एडिशन कंपाउंड का। सो अगर एडिशन कंपाउंड का करते हैं क्लासिफिकेशन, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सा, एक होगा डबल सॉल्ट DUUBLE डबल सॉल्ट, देन आफ्टर सेकेंड होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड। ठीक, अब ये समझना दोनों में अंतर क्या है, डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, दोनों पहले हम डिफरेंस समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बारी बार स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसको देखते हैं, डबल सॉल्ट को देखते हैं। सो पहला क्या लिखेंगे, डबल सॉल्ट लिखेंगे एडिशन कंपाउंड कितनी एग्जांपल देखो, चार एग्जांपल देखो, उन चार एग्जांपल में से हम कुछ एग्जांपल्स को मतलब चारों का दे दे एलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना था, KCl with MgCl2, यानी कि KCl plus MgCl2 plus 6H2O। सॉल्यूशन बना, इवापोरेट किए, यहाँ क्या किए इसको इवापोरेट किए, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ठीक, क्या किए इसका, फिर इसको हम लेके गए एक्वस फेज में। भाई हमको ये देखना है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, जो हमारा एडिशन कंपाउंड बना, एडिशन कंपाउंड किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसको हमने क्या किया एक्वस फेज में लेकर, ठीक है, एक्वस फेज में लेकर के गए। तब क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये 100% डिसोसिएट हो गया, जो ये हमारा एडिशन कंपाउंड था, जो ये हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म का, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एडिशन कंपाउंड था, वो क्या हो गया 100% डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट हो गया कैसे, तो देखो KCl से बना K plus and Cl minus MgCl2, क्या हो गया ये Mg2 plus with 2 Cl2।
इट मींस ओवरऑल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये के प्लस एक्वस प्लस ये एक्वस फेज में वाटर सॉल्वेंट लेके चले वाटर में क्या इसको डिजॉल्व किया ठीक है सॉल्यूशन में प्लस Mg 2 plus aqueous plus 3Cl minus aqueous. So, अब यहां से हम इसके characteristics, इसके property को analyze करते हैं कि इस process में पूरा हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, process हुआ क्या यहाँ पे, तो देखेंगे. सबसे पहली चीज, ये crystalline form में exist कर रहा है as a addition compound. यानी ऐसे कंपाउंड लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो कंपाउंड के फॉर्म कंपाउंड जैसा एग्जिस्ट कर रहा दिख रहा है लेकिन जैसे ही इसे एक्वस फेज लेकर के गए एक्वस फेज एक्वस सॉल्यूशन बनाए इसका इस क्रिस्टल फॉर्म का क्या हो गया वो बेसिक अपने जो कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं उसमें क्या हो गए टूट गए और कितना मिटे 100% क्या हो गया वो डिसोसिएट कर गया आप देखेंगे यहां पर 100% क्या हो चुका है डिसोसिएट हो चुका है तो अगर ये 100% डिसोसिएट हो गया इट मींस इस सॉल्ट ने यानी कि इस कंपाउंड ने इस क्रिस्टल फॉर्म ने अपना पूरा आइडेंटिटी क्या कर चुका है लूज कर चुका है इट मींस कि जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसका आइडेंटिटी मेंटेन है किस फॉर्म में इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये जो कंपाउंड है इसका आइडेंटिटी मेंटेन है कहां पे इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म लेकिन जैसे ही एक्वस फेज में आए इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई खत्म क्योंकि ये तो आयंस बन गए भाई पोटेशियम आयन मैग्नीशियम आयन Mg2+ भाई क्लोराइड आयन तो ये तो चले गए कहां पे अपने आयनिक फॉर्म में आयंस में चले गए आयंस में चले गए इट मींस कि इसका आइडेंटिटी क्या हो चुका है खत्म इसका आइडेंटिटी मेंटेन कहां है क्रिस्टल फॉर्म में इसका आइडेंटिटी मेंटेन कहां नहीं है इसका आइडेंटिटी मेंटेन कहां है क्रिस्टल फॉर्म में इसका आइडेंटिटी मेंटेन कहां नहीं है एक्वस फेज में इट मींस क्या समझ आता है अगर इसका आइडेंटिटी मेंटेन है क्रिस्टल फॉर्म में इट मींस सॉलिड फेज में इट मींस कि कहां स्टेबल है दिस इज स्टेबल इन द सॉलिड फेज अनस्टेबल इन द एक्वस फेज क्योंकि अगर ये एक्वस फेज स्टेबल हुआ होता तो ये कभी टूटता नहीं लेकिन ये तो टूट चुका है एक्वस फेज में मतलब ये एक्वस फेज स्टेबल नहीं है स्टेबल कहां है क्रिस्टल फॉर्म में ठीक है तो यहां पर हम पहले बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे डबल सॉल्ट के बारे में ठीक है पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट जो हमने पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि डेफिनेशन क्या देखेंगे इसका कि जब कभी भी कोई भी सॉल्ट क्या हो 100% अपने बेसिक कंस्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाए टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे डबल सॉल्ट बोलेंगे ठीक पहले इसको नोट करेंगे उसके बाद हम आते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि भाई यहां से यहां तक जाने में यहां से यहां तक पहुंचने में क्या क्या चेंजेस आए तो पहले लिखेंगे डबल सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच आर completely dissociated double salt are those salt which are completely dissociated into its constituent ions in the aqueous phase that is in the aqueous solution okay diffusion complete double salt are those salt which are completely dissociated into its constituent ions in the aqueous phase or aqueous solution so this is the definition ab aate next property mein aate pehla property aate hai क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या ये स्टेबल है इट मींस डबल सॉल्ट आर स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है एज इट इज रहा है इट मींस क्या है ये स्टेबल तो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म देन जैसे इस क्रिस्टल फॉर्म को कहां लेके गए एक्वस फेज में एक्वस सॉल्यूशन बनाए टूट गया मतलब इसकी आइडेंटिटी गई तो लिखेंगे नेक्स्ट द आइडेंटिटी या द कंप्लीट आइडेंटिटी इज लॉस्ट complete identity of this compound it means double salt complete identity of this salt is lost in the aqueous phase aqueous mein iski identity gayi next it means stable or unstable ki baat kar lete hain stable kahan hoga unstable kahan hoga so agar isme identity chali gayi hai it means yahan toot chuka hai it means iske andar kya hoga unstable apne aap ko stable karne ke liye kya kiya wo ionic form mein chale gaya ions mein kya ho gaya break kar gaya इट मींस स्टेबल कहां क्रिस्टल फॉर्म में जहां नहीं टूटा है अनस्टेबल कहां जहां वो टूट चुका है अनस्टेबल क्यों है क्योंकि टूट चुका है क्यों टूटा है भाई तो अपने आप को आगे फर्दर स्टेबल करने के लिए वो क्या हो चुका है इसमें ब्रेक कर चुका है तो लिखेंगे स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म अनस्टेबल इन द एक्वस फेज स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म नेक्स्ट अनस्टेबल इन द एक्वस फेज क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है एक्वस फेज में अनस्टेबल नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने कहां पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है भाई पढ़े वहां पे कंडक्टिविटी पढ़ते हैं भाई वहां पे कंडक्टिविटी पढ़ते हैं कि सिंपल कंडक्टिविटी होती है नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ते हैं यहां पे हमको उतना क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है कंडक्टिविटी का हमको सिंपल ही देखना है कंडक्टिविटी इसकी कितनी होगी
तो मतलब इस सॉल्ट का, इस क्रिस्टल सॉल्ट का, क्रिस्टलाइन फॉर्म डबल सॉल्ट का जो हमने एक्वास्फीयर में कन्वर्ट किया है, तो यहां पे कंडक्टिविटी कितने आयंस के कारण मिलेगी? ऑल द आयंस के कारण हमको कंडक्टिविटी मिलेगी, सारे आयंस के कारण हमको कंडक्टिविटी मिलेगी, या यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ आयंस के कारण हमको कंडक्टिविटी मिलेगी? तो आंसर क्या होगा? आंसर भी यही होगा कि चूंकि ये एक्वास्फीयर में क्या हो चुका है, 100% डिसोसिएट हो चुका है। देखो NaCl है, तो जो NaCl है, अगर वो बोलते हैं भाई NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, Na+ से माइनस में क्या होता है, टूट जाता है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन जैसे बनाते हो NaCl का, तो क्या होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। क्या NaCl सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी कि करंट कंडक्शन करेगा? नहीं करेगा। कंडक्टिविटी होगी उसकी, NaCl कंडक्टिविटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है, इट मींस वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, टाइटली पैक्ड रहेंगे। सॉलिड फेज में क्या रहेंगे, सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आयंस हैं, वो क्या होंगे, टाइटली पैक्ड रहेंगे। तो उस कंडीशन में वहां पे कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाला है। तो क्या करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, जैसे ही NaCl को सॉलिड से बाहर लेके जाओगे उसके एक्वस फेज में, यानी कि Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, या मॉल्टन स्टेट NaCl लेकर के जाओगे, मतलब मॉल्टन स्टेट में NaCl लेकर के जाओगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कंडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कंडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडक्शन अगर यहाँ मिल रहा है, कितनी होगी इसकी कंडक्टिविटी, ये हमको चेक करना है। तो कितनी हुई कंडक्टिविटी भाई, तो एक आयन प्लस एक आयन, यहाँ का एक आयन, यहाँ का एक आयन, और यहाँ का तीन आयन, थ्री आयन, कितने हो गए टोटल, फाइव, क्या हो जाएंगे, कंडक्टिविटी टू फाइव आयन। तो भाई ये तो एग्जांपल है, इसमें रटना थोड़ी है कि पांच आयन, हर जगह आंसर थोड़ी पांच आयन होगा, क्या बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कंडक्टिविटी होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन, देखेंगे कंडक्टिविटी विल बी बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम आयन, या कंडक्टिविटी इज ड्यू टू All the ions. Conductivity is due to all the ions. क्यों all the ions? क्योंकि पहले इसके आपसे 100% dissociate हो चुका था, 100% dissociate हुआ था, all the ions, सभी ions के कारण, all the ions के कारण क्या होगा? Conduction होगा, conductivity. No problem. So these are the basic properties of the double salt. Note करेंगे. और example लेके चल सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ, चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी मोहर सॉल्ट की बात करते हैं, तो मोहर सॉल्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, कैसे बनाए थे, बनाया तो हमने क्या, FeSO4 प्लस NH4 होल 2 SO4 प्लस 24 प्लस 24 H2O एक्वस फेज, यानी कि हमने क्या किया था, इसको सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाया था, क्या किया इसका, इवापोरेशन किया था हमने, इसको क्या किया, इवापोरेट किया, इवापोरेट करने के बाद कंपाउंड बना, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 24 H2O। ठीक, फिर क्या किया, ये तो क्या होगा, दिस इज इन द क्रिस्टल फॉर्म, इवापोरेशन किया ना, अभी तो पूरा डेफिनेशन, इवापोरेट करने के बाद क्या मिला आपको, क्रिस्टल मास मिला, क्रिस्टल सब्सटेंस मिला, क्रिस्टल फॉर्म मिला, दैट इज द ओनली द एडिशन ऑफ फॉर्म। फिर आगे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं कि इसको डबल सॉल्ट बोले, इसको डबल सॉल्ट बोले या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोले, कैसे पहचानेंगे, तो हम क्या करते हैं फिर इसके आइडेंटिटी को चेक करते हैं। अभी हमने एग्जांपल सीखा है, अभी हमने एग्जांपल देखा है, इसको क्या करेंगे, इसके इसके आइडेंटिटी को चेक करेंगे कि क्या एक्वस फेज में इसका आइडेंटिटी कंप्लीट लूज होता है, या एक्वस फेज में इसका आइडेंटिटी बचा हुआ रहता है। अगर कंप्लीट आइडेंटिटी लूज हो चुका है, इट मींस क्या है वो, अगर इस क्रिस्टल फॉर्म का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, कंप्लीट आइडेंटिटी लूज हो चुका है, अपना आइडेंटिटी लूज कर चुका है, डबल सॉल्ट, कंप्लीट लूज नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, चलो अब लेके जाते हैं इसको कहां पे, एक्वस फेज में इसको लेकर के जाते हैं, एक्वस फेज में लेकर के जाएंगे, एक्वस फेज में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, दिस विल बी फेयर सल्फेट, क्या हो जाएगा ये Fe2+ एक्वस प्लस, यहाँ क्या होता है SO4 2 माइनस एक्वस प्लस, इसको ब्रेक करेंगे अमोनियम सल्फेट को, ब्रेक करना आता है नहीं आता, तो थोड़ी देर बाद सीख लेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे, तो जो सेंट्रल मेडिकल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे उसके लिए तो भाई हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज कितना है, तो कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज कितना है वो तो तब पता चलेगा जब कॉम्प्लेक्स यानी कि या कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करते आता है आना चाहिए। देख लेंगे क्या हो जाएगी 2NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस,
अगेन, तो यहां देखेंगे कि फिर से क्या हुआ, ये 100% अपने आयंस में, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। तो अगर ये 100% अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो गया, इट मींस अगेन दिस इज अ पोलर सॉल्ट, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म बचा ही नहीं, ये क्रिस्टल फॉर्म नहीं बचा, ये पूरा पूरा कहां चले गया, आयनिक फेज में चले गया। इट मींस इसने अपना कंप्लीट आइडेंटिटी क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, लूज किया, डबल सॉल्ट। ठीक, कितने आयंस बनेंगे यहां पर, यहां का एक आयन, यहां का एक आयन, यहां का दो आयन, यहां का एक आयन, ओवरऑल कितने हो जाएंगे टोटल, अगर इसको लिखते हो तो इसको कंप्लीट करेंगे तो यहां से टोटल कितने मिल जाएंगे, 1 + 2 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 आयंस, कितने हो जाएंगे, 5 आयंस। तो ये आयंस की गिनती क्यों कर रहे हैं, आयंस की गिनती क्यों कर रहे हैं, आयंस की गिनती कर रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि जो कंडक्टिविटी है वो कितने आयन के कारण मिलेगा, टोटल कितने आयन से कारण हमको कंडक्टिविटी मिलेगी, जिससे हम बता सकते हैं भाई कंडक्टिविटी हाई होगी, कंडक्टिविटी लो होगी। जो इलेक्ट्रोमेस्ट्री में पढ़ाया गया तुम लोगों को, ये कंडक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। लेकिन अगर फंसते कब है, फंसते तब है जब दो जगह पे हमको टोटल सेम नंबर ऑफ आयंस मिले, 5 आयन कंपाउंड ए में, 5 आयन कंपाउंड बी में भी, 5 आयन, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम चार्ज देखते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ज्यादा, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए देन रेफर टू द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, जिस पे चार्ज ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। वो आगे की बात है, एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे क्या, देखिए इसमें भी Fe2 plus aqueous plus 2NH4 plus aqueous plus this will be 3SO4 whole 2 minus aqueous। सो अगेन फिर से वही प्रॉपर्टी, एक बार तो लिख ही चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, फिर सुन लोगे। ये क्रिस्टल फॉर्म में इसकी आइडेंटिटी मेंटेन है, एक्वस फेज में ये उठ करके कहां गया, एक्वस फेज में आईडीटी क्या हो चुका है, लूज कर चुका है। तो यहां देख लेंगे क्या हो जाएगा, यहां से यहां पहुंचने में क्या हो चुकी है, आइडेंटिटी लॉस्ट, आइडेंटिटी क्या हो चुका है, लूज कर चुका है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइडेंटिटी मेंटेन है, एक्वस फेज में आइडेंटिटी लूज कर चुका है। अगर यहां पे ये लूज कर चुका है इस फेज में, एक्वस फेज में, इट मींस यहां गया ये अनस्टेबल है। तो फिर से भी बात लिखेंगे, स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, डबल सॉल्ट आर स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड आर अनस्टेबल इन द एक्वस फेज। कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा हो, बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस, बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस, इट मींस मेजॉरिटी आयंस के कारण, इट मींस कितने आयंस काउंट किए तो 5 है, यहां पे कंडक्टिविटी कितने का मिलेगा, 1 2 2 और 2 4 4 1 5 5 आयन के कारण क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलेगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल सॉल्ट। ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट। अब सॉल्व में आंसर डबल सॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। सो अब सेकंड इसका क्लासिफिकेशन जो हमने किया था उसका लिखेंगे, हेडिंग देंगे। अब इसका हेडिंग देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलो बी पार्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर पहले हमने कंपाउंड बनाया था, देखा था FeCl2+ केस, चाहे हमने वहाँ बैलेंस नहीं किया था, ये बैलेंस भी कर लिया, हालांकि बैलेंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमको एडिशन पर फोकस करना है, कंपाउंड पर फोकस करना है। यहाँ से आफ्टर एडिशन मतलब आफ्टर इवापोरेशन, इनका एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास, हमने जो इवापोरेशन किया था, इवापोरेशन करने के बाद क्या मिला था हमको, K4FeCl6 यही मिला था। बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लेना है, फिर क्या लिखोगे, चार लिखोगे, पोटेशियम फोर हो जाएगा, देन आफ्टर आयरन कितना, एक है आयरन, एक है साइनाइड, 4+2 6 4+2 6 है, जब कितना 6, सो दिस इज बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या ये तो बन गया, ये तो कौन से फॉर्म में रहेगा, दिस इज द क्रिस्टल फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में हो गया, ये क्रिस्टल फॉर्म में हो गया। अब अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में है, चेक करना है डबल सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमने क्या किया, जैसा भी पीछे किया एग्जांपल कि कुछ तरीके से हमने क्या किया, एक्वस फेज में लेकर के गए, इसको अगर हम क्या करते हैं एक्वस फेज में लेकर के जाते हैं, तो फिर पाया गया कि इनका कभी 100% डिसोसिएट, मतलब इस कंपाउंड का 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, मतलब 100% कंस्टिट्यूएंट आयंस में ये ब्रेक डिसोसिएट नहीं हुआ। हुआ क्या है, तो ये हुआ ब्रेक कैसे, 4K+ Fe
Fe Cn6 4 minus. ठीक है. So this is the cation. This is the cationic part. And this is the complex anion. अब बोलोगे भाई कि अचानक से anion लिखने की जगह पर हमने क्या लिख दिया? क्या वर्ड यूज कर दिया? कॉम्प्लेक्स यूज कर दिया. क्या होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे. इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. दिस इज द एनायनिक पार्ट. इसको हमने क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स बोल दिया. ठीक है. ये कंप्लीट आइडेंटिटी मतलब ये जो क्रिस्टल फॉर्म था, क्या ये अपना कंप्लीट आइडेंटिटी यूज किया? यहाँ लिख लेंगे ये कौन से फेज में रहेगा? एक्वस फेज में. ये कौन से फेज में रहेगा? एक्वस फेज. क्या ये कंपाउंड पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, क्या ये अपना आइडेंटिटी यहाँ तक आने में लूज किया है? तो यहाँ से हमें एक एरो लगाया. हमने बोला क्या ये आइडेंटिटी लूज किया? आइडेंटिटी लूज किया? नहीं. आइडेंटिटी लूज नहीं किया. क्या बोलेंगे? तो आइडेंटिटी क्या है? मेंटेन्ड है. रीजन ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स था Fe Cn6 का, वो कहाँ ब्रेक हुआ? ये देखो जरा, ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, तो कैटायनिक और एनिक पार्ट में हमने क्या किया? इसको रिप्रेजेंट करके. लेकिन ये पार्ट तो टूटा नहीं, ये तो पूरा का पूरा उठ के कहां आ गया? एनायनिक पार्ट में. इट मींस ये जो कंपाउंड है ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है. 100% आयनिक पार्ट में डिसोसिएट, आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ है. इट मींस अगर 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, क्या बताया था? 100% डिसोसिएट करता है, डबल बॉन्ड में चला जाता है. 100% डिसोसिएट नहीं करता है, कहां आ जाओगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो अगर इसका बेसिक प्रॉपर्टी देखते हो, जैसे हमने बोला था भाई कि डबल सॉल्ट का होता है, डबल सॉल्ट का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबल होता है. थोड़ी देर पहले देखे थे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं. स्टेबल होता है कहाँ? क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में. सॉल्यूशन फेज में क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है. कंडक्टिविटी किसका होती है? ड्यू टू ऑल द आयंस. क्योंकि 100% टूटता है, सारे आयंस से क्या होता है? वहां पे कंडक्टिविटी मिलती है. यहां पे हम देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे? 100% डिसोसिएशन नहीं होता, क्या बोलेंगे? पार्टली डिसोसिएट करता है, या सम पार्ट, कुछ पार्ट, कुछ भाग क्या होता है उसका? डिसोसिएट करता है. नेक्स्ट, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं किया है, तो इसका आइडेंटिटी लूज इस फेज में भी नहीं होने वाला. मतलब आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड इन बोथ द फेज. इट मींस आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड इन द एक्वस फेज. तो सेकंड पॉइंट क्या लेंगे? आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड इन द एक्वस फेज. थर्ड, अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं किया है, तो मतलब यहां भी क्या है? ये स्टेबल है. अगर ये नहीं टूटा, मतलब क्या है? ये पहले से ही खुश है, पहले से ही क्या है? ये स्टेबल है, आगे नहीं टूटेगा. इट मींस देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में तो स्टेबल होता ही है, साथ में एक्वस फेज में भी क्या होता है? स्टेबल होता है. स्टेबल इन बोथ द फेजेस. क्रिस्टल फेज यानी सॉलिड फेज यानी क्रिस्टल फॉर्म एज वेल एज द दिस वन एक्वस फेज, दोनों फेज में स्टेबल. नेक्स्ट, अब लेकिन एक चीज यहां पर फर्क आएगा. फर्क जो सबसे मेजर फर्क तो देख ही रहे, सबसे मेजर फर्क क्या है? मेजर फर्क होगा यहां पे कंडक्टिविटी का फर्क होगा. ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेंगे, इसको लिख के काट लेंगे. आइडेंटिटी यूज नहीं करता है, आइडेंटिटी मेंटेन रहता है. फर्स्ट पॉइंट, 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, 100% आयंस में डिसोसिएशन नहीं हुआ है. सेकंड पॉइंट, आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड इन एक्वस फेज, यहां तो रहेगा ही, साथ में एक्वस फेज आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा. देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया गया था stable in both the crystal form as well as aqueous phase. ठीक है, अब आते हैं next इसमें last लिखेंगे conductivity. तो conductivity किस ion से ion होता है देखते हैं. तो last point conductivity, इसको note कर लिए. note करने के बाद देखते हैं इसमें conductivity. चलो, हमने compound क्या लिया? K4 Fe Cn6, ये compound लिया था. compound हमने नहीं लिया था, ये हमने बनाया है. यहाँ के चार आयन, फोर आयंस, और यहाँ का कितना? एक आयन. यानी ओवरऑल कितने आयन हो गए? फाइव आयंस कब मिले? जब इनका 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है. क्या हुआ है? पार्टली डिसोसिएट किया. लेकिन अब एक केस मान के चलते हैं, एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ होता,
तो क्या बनता है, 4k प्लस प्लस Fe 2 प्लस प्लस 6Cn प्लस। इफ 100% डिसोसिएट, अगर 100% डिसोसिएट होता है ये क्या होता, 4k प्लस प्लस Fe 2 प्लस प्लस 6Cn माइनस। अब बोलोगे पता कैसे चला कि ये बनेगा, पहली चीज ये तो बनेगा ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन मान लो हमने अज्यूम कर लिया कि ये बनेगा, कैसे पता चला भाई साहब, ऑक्सीजन स्टेट निकालना आता है, 11th क्लास पढ़ के आए, 11th क्लास ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, टेक इसके पहले सॉल्यूशन पढ़ चुके हो, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो, तो भाई वहां पे हमको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हम स्टेट कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे। यहां क्या हो जाएगा चार्ज 4 माइनस, थोड़ी देर पहले बताया गया था 4 माइनस x प्लस 6 इनटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, यानी आया कौन सा स्टेट में होगा, प्लस 2 स्टेट में होगा, तो प्लस 2 स्टेट लिख दिया इसके लिए। और ये हमको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, सीएन क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, माइनस चार्ज के साथ माइनस 1 चार्ज के साथ, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा माइनस 6, पोटेंशियल चार्ज कितना आ जाएगा इस पे माइनस 6, 6 1 जा माइनस 6, चेक कर लो 4 प्लस प्लस 2, तो ये क्या हो गया 6 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6 1 जा माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 ओवरऑल क्या हो गया ये न्यूट्रॉन। तो यहां पे कितने आयन हो गए, यहां पे इससे देखोगे तो 4 प्लस 1 प्लस 6 तो कितने 11 आयन्स। तो यहां पे कंडक्टिविटी कैसा मिलता, 11 आयन के कारण, यहां पे कितना मिल रहा है 5 आयन का, कंडक्टिविटी कहां ज्यादा होती, तो कंडक्टिविटी क्या होती, कंडक्टिविटी यहां पे ज्यादा होती, कंडक्टिविटी क्या होती यहां ज्यादा होती, क्लियर कर लेंगे इसको, कंडक्टिविटी क्या होती यहां पे ज्यादा होता, ठीक, यहां पे कंडक्टिविटी क्या होती कम होती, लेकिन ये प्रोसेस तो भाई साहब गलत है, ये तो गलत होगा। तो वही चीज बताया जा रहा था कि जब डबल सॉल्ट पढ़े हो तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, अगर डबल सॉल्ट है 100% डिसोसिएट करता है तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, ऑल द आयन सभी आयन के कारण, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ रहे हो, डिसोसिएशन क्या होगा पार्ट होगा, पार्टली डिसोसिएट करेगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा कम, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, कंडक्टिविटी के बेसिस पे देखोगे दिस इज द मेजर डिफरेंस, तो लिख लेंगे पॉइंट नोट कर लेंगे यहां पे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यानी कि कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज लो या लेस एज कंपेयर टू द डबल सॉल्ट, बिकॉज इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ आयंस, बट इन द केस ऑफ डबल सॉल्ट इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस। लेकिन साहब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो गलत होगा, ये कभी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, कहां पे इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, so this is the case of complex compound, ions कम होंगे, conductivity कम होगा, होना चाहिए इतने ions के कारण, लेकिन ये double salt थोड़ी है, double salt होता तो इतना ions के कारण होता नहीं होगा, ये पांच ions के कारण क्या होगा conductivity होगा, note करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसके बाद हमारा next जो topic होगा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एडिशन कंपाउंड पढ़ ली, एडिशन कंपाउंड का हमने दो पार्ट क्लासिफाई कर लिया, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्लासिफाई कर लिया, सारे एग्जांपल्स बनते हैं, कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी कैसे जज कर सकते हैं देख लिया हमने, कौन कहां स्टेबल होता है, क्रिस्टोफर में कौन स्टेबल होता है, एक्वस में कौन स्टेबल होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग जो कल पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो भी हमने देखा ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके कितने टाइप्स है, इट मींस कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है प्लस चार्ज वाला, कॉम्प्लेक्स एनायनिक है माइनस चार्ज वाला, या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, या फोर्थ क्या होगा कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक, चार टाइप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कैटायनिक पढ़ेंगे, एनायनिक पढ़ेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, देन आफ्टर कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और कल हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कल हम क्या करेंगे, प्योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एनालिसिस करेंगे, इट मींस कि एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो अगला हेडिंग करेंगे एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, कल पढ़ेंगे।